उस पे अमल करें। नहीं माशाल्लाह, तो आप सारी बातें आपने अच्छी की, हमने सुन ली साबरी। मैं पूछता हूँ, ये हदीस है ना कि मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो, है हदीस? हाँ बिल्कुल है हदीस। हाँ नहीं नहीं, वो तो मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। आप ये देखें कि पूरे इधर जितने भी आप देख लें, आप सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं उनको आप इकट्ठा कर लेते हैं, तुर्कश ईरान सारे इधर बैठे होते हैं, दुआ मांग रहे होते हैं, किसी की आपकी जरूरत नहीं होती कि आप उधर जाएँ। फिर आप ये देखें कि मेहनत कर जो लिखा है मजदूरी, इधर हमारे कितने भाई हैं, सबका कोई उनको मजदूरी नहीं देती, उनका माल खा रहे हैं। आप बता, मैं ये सवाल इधर कर रहा हूँ कि आप उधर क्यों नहीं आवाज उठाते? देखिए आप देखो, कोई भी जुल्म हो जाए, महकमा है और उनका इदारा है, उनको जाके शिकायत करें, वो आपकी शिकायत दूर कर देगा। और हम भी खैर, नहीं नहीं, ये मौजू इधर बहुत बड़ा मौजू है, जितने इधर आप देखें हमारे भाई इधर भीख मांग रहे हैं, बेचारे मेरे भाई उस पे खुतबे भी होते हैं, वो उस कर रहे हैं। और हमारे लोगों का भी कुछ खामी है, उम्रे के लिए आते हैं और यहाँ मांगते हैं, भीख मांगते हैं, उनके लिए क्या करें? मैं वही तो कह रहा हूँ, बाकायदा उम्रे के लिए, हाजी के लिए वो आते हैं। पिछले साल मैंने एक बुजुर्ग देखा था, वो अल्लाह मेरे साथी ने बताया कि ये मेरे साथ फ्लाइट में आया और इसका इतना जायदाद, इसने खुद बताया, उसके बेटे भी यानी बहुत अच्छे ओहदे पे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, फिर भी मांगते हैं, उनके लिए हम क्या करें? तो जुल्म जहाँ भी हो, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, खुतबे में भी बताते हैं। और यार फोटो ठीक, बाकी एक ये वीडियो मुझे पसंद नहीं है।